कुंभ मेला, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है कुंभ मेला, और ये इलाहाबाद वगैरह में होता है, इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, आप लोगों को पता है। लेकिन इसमें न्यूज़ ये है कि इस बार गूगल मैप जो है इसमें काम करने वाला है और GPS जो है आपको एक नंबर मिलेगा, इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कुंभ मेला कब से शुरू हुआ, पता है तो बताए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 1870 से कुंभ मेला जो है इलाहाबाद में शुरू हुआ, इस तरह की कुछ अपडेट आपको ये चीज पता था, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि आपके पास राशन कार्ड है, 76% लोगों ने कहा कि हाँ है, बाकी के लोगों ने कहा कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन बना लीजिए, बहुत इजीली बन रहा है, तो इस तरह का कुछ है। आपके पास राशन कार्ड है या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं डिजिटल हैकिंग की। ऐसा बताया जा रहा है कि 7 लाख रुपए एक स्टूडेंट का चुरा लिया गया है ऑनलाइन के थ्रू, और ये जो हुआ है ट्राई के सर्विस सेंटर से कॉल आता है और बोला जाता है कि आपका जो है ऊपर एक तरह का जुर्माना लगाया गया है, आपको पुलिस थाना वगैरह ये सब आना होगा, और आपसे फिर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, और उसके बाद OTP देने के बाद आपके मतलब अकाउंट से जो बंदा के साथ हुआ है, दिल्ली का बंदा है, मतलब स्टूडेंट है, कुछ लगभग 12 में पढ़ रहा है, इसके साथ ये स्कैम हुआ और 7 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए गए हैं, इस तरह की कुछ अपडेट है। अगर ऐसा कुछ ट्राई की तरफ से आपके पास आता है कि आपके ऊपर केस चल रहा है या चालान कट गया है या कुछ भी ऐसा है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर अपना आधार नंबर या फिर OTP, इसको सेव करके रखिए, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, या आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है फ्यूचर में कभी भी या फिर पास्ट में, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है एलन मस्क की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में स्टारलिंक आने वाला है, सैटेलाइट से हमें नेटवर्क या फिर इंटरनेट मिलने वाला है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त भी होगा, और जियो इससे थोड़ा सा टेंशन में है। और ख़ास बात ये है कि ये जो एलन मस्क है, इन्होंने कुछ जॉब ऑफर भी कर दिए हैं इंडिया में, जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी फॉर्म भर दिया, इस तरह की कुछ अपडेट है। तो आप अगर टेस्ला के साथ या एलन मस्क के साथ काम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करिए, काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। अगली अपडेट आ रही है स्नैपड्रैगन का 8S Elite की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का एक नया प्रोसेसर आने वाला है, जो 8S Elite होगा, जो 3nm टेक्नोलॉजी पे आएगा, और ये काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, और ये 8S Gen 3 का सक्सेसर होगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है फोल्डेबल फ़ोन मार्केट शेयर से। ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है 56% मार्केट शेयर है Q3 2024 में। नंबर 2 पे जो आता है हुआवे आता है, नंबर 3 पे हॉनर आता है, नंबर 4 पे मोटरोला आता है, और नंबर 5 पे शाओमी आता है। फोल्डेबल फ़ोन के मामले में आने वाले टाइम में कौन एक नंबर पे रहेगा आपके हिसाब से, कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है आईफोन 16 की तरफ से। डीएक्सओ मार्क ने आईफोन 16 को 20 नंबर का रैंकिंग दिया है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन है कैमरे में सबसे बेस्ट कौन रहता है, तो 20 नंबर पे आईफोन 16 आता है। मतलब 1.5 लाख रुपए लगा कर भी आप वैसा फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाएंगे जैसा आप 25-30 हज़ार के फ़ोन में क्लिक कर लेते हैं, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट। वक्त होता है आपके सवाल लेने का, टेक्निकल गेमिंग का सवाल है। मैंने बीटा वर्जन इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में, क्या मुझे स्टेबल अपडेट मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि हम भी इस पर वीडियो लाने वाले बहुत ही जल्दी। स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। अगली अपडेट आ रही है शाओमी एक साउंड बार आज चाइना में लॉन्च कर दिया है, 2.1 चैनल का है, 120 वाट का है, और इसकी प्राइस लगभग 4,500 रुपये होती इंडियन मनी के हिसाब से। अगर आता इंडिया में लॉन्च होता तो लेंगे आप, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है रेडमी नोट 14 की तरफ से। 9 दिसंबर को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो प्राइस है वो लीक हो गया, रिवील हो गया है। जैसे Redmi Note 14 का प्राइस जो होगा 6128 का 21,999 रुपये, वहीं बात करते हैं 14 Pro का प्राइस जो होने वाला 28,999 रुपये, 8GB RAM 128GB इंटरनल, और Pro Plus का जो प्राइस होगा 8256 से ये शुरू होगा, जिसका प्राइस होगा 34,999 रुपये। लेना चाहेंगे आप कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Redmi Buds 6 Pro, ये जो है चाइना में लॉन्च हो गया है, NC के साथ आता है, 4,650 रुपये की प्राइस वहां पर है। इंडिया में आएगा तो क्या लगता है 5,000 तक सटेगा, कमेंट में जरूर बताइए।
अगली अपडेट आ रही है Realme 12 Pro Plus के मतलब बीटा वर्जन मिल गया है इस फोन को, अगर आपके पास है तो अपडेट करिए। इस पे हम एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी कल दे चुके हैं और हो सकता है कि मॉर्निंग में आपको लॉन्ग वीडियो भी मिल गया है क्योंकि हम OTA के थ्रू इसको अपडेट कर रहे हैं। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारी हेल्प होगी। अगली अपडेट आ रही है Realme न्यू 7, ये जो है 7000 mAh की बैटरी और 240 वाट फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगली अपडेट आ रही है Samsung का S25, ये जो फोन है FCC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है Samsung का एक टैबलेट आने वाला है जो स्ट्रेचेबल डिस्प्ले के साथ आएगा, मतलब छोटा सा डिस्प्ले रहेगा उसको टान कर बड़ा कर सकते हैं, इस तरह की कुछ अपडेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा, जब आएगा तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है OnePlus का 13R FCC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, 6000 mAh की बैटरी इसमें होने वाली है। वहीं बात करते हैं OnePlus का S5 जो रेयर OnePlus का 13 बनकर इंडिया में आएगा, इसमें एल्युमिनियम फ्रेम होगा इसका, इस तरह की कुछ अपडेट है, जब आएगा तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है लावा युवा 4, ये जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है, 6999 रुपए इसकी प्राइस है। यूनिसॉक T606 का प्रोसेसर है, 50 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेना चाहेंगे आप कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट Honor का 300 अल्ट्रा की तरफ से है, इसमें पेरिस्कोपिक सेंसर होगा, 8 जनरेशन 3 के साथ आएगा, इस तरह की कुछ अपडेट है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों टेक न्यूज ज्यादा नहीं था, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।